नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। कोरोना से जुड़ी खास खबर के साथ मैं हूं वीके मिश्र। आज हम पहुंचे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ, सीएमओ मैडम से करते हैं बात। इससे पहले कल तक 19 लोगों का सैंपल जांच किया गया था, जिसमें से 19 का 19 निगेटिव निकला है। कल शाम को 2 लोगों का और गया है, इसके लिए सीएमओ मैडम ऐसे कोई सिम्टम्स लक्षण तो है नहीं, मगर एक लोग कह रहे थे कि मैं गाड़ी का वो चालक था, ड्राइवर था एंड एक क्लीनर है, तो शायद वो लोग बस चला के लेके गए थे, शायद आगरा गए कहीं गए थे, बताया संदिग्ध थे, तो बस चेक इन लोग क्वारंटाइन में रखे, उनके सैंपल्स देते हैं आज के 14 दिन के लिए रखना पड़ेगा। लॉकडाउन तोड़ने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि भदोही पुलिस फुल एक्शन में है। इसी तरह कोरोना बाजार में आज लॉकडाउन तोड़ने वालों का चौकी इंचार्ज सुशील तिवारी ने चालान कर उनको सबक सिखाया। भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने आज जरूरतमंदों में सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया, देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी कोरोना वायरस से इस महामारी से निपटने के लिए अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए का योगदान किया था, और उससे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने लगभग सामग्री की आपूर्ति करा दिया। आज उसी के तहत मैं भदोही में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे गया, वहाँ पे मास्क वितरण, सैनिटाइजर, आइसोलेशन वार्ड उसको भी देखने का काम किया। इसके साथ साथ जो हमारे ब्लॉक स्तर के वीडियो के द्वारा एवं उप जिलाधिकारी के द्वारा भोजन बनाए जा रहे हैं, पैकेट वितरण किए जा रहे हैं, उसको भी देखने का और निरीक्षण करने का काम किया। जिस तरह से हमारे चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे चिकित्सा से डॉक्टर्स लोग हों, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, आजादी के बाद या पहली बार मैंने देखा कि इतने मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं। हर लोग इस कोरोना को भगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से संकल्प ले चुका है, और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मैंने देखा कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान